मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को, और नगर निकाय के चुनाव में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया है। और इस चुनाव में, इस नगर पालिका के चुनाव में विगत 40 वर्षों से किसी और का कब्जा रहा है, केवल एक बार मात्र 1995 में भाजपा यहाँ से चुनाव जीती थी, और इस बार पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार नगर पालिका चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। आखिर क्या कारण रहा कि 95 के बाद से आज 2023 चल रहा है, इतने दिनों में कमल नहीं खिल पाया? कारण कुछ बहुत कुछ थी कि केंद्र में सरकार नहीं थी और राज्य में सरकार नहीं थी, और इस बार डबल इंजन की सरकार, जो हम लोग की सरकार काम कर रही है, और डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग, हर लोगों को खाना में की एक निगाह से देखा है, किसी को अलग अलग निगाह से नहीं देखा है, सबको एक समान की सुविधाएं दी हैं, उसमें कोई जाति, कोई धर्म, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। और विगत जब से 2014 से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद हर जगह कमल खिल रहा है। और मैं आपको, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार 2023 में मोहम्मदाबाद की जनता कमल खिलाने के मूड में है। ऐसे में अगर हम बात करें नगर पालिका आपने मोहम्मदाबाद की, तो इसका मूल काम है लोगों की मौलिक सुविधाएं देना, बिजली, पानी, सड़क, तो इन दिनों इसलिए क्या लगता है कि आपके यहाँ की जनता को जो पिछले चेयरमैन या नगर पालिका जो भी सरकार रही है, क्या वो दे पाई है? जी नहीं, मोहम्मदाबाद इन सब चीजों से बहुत अछूता रहा है। कारण केंद्र और प्रदेश में सरकार न होने की वजह से कोई भी चेयरमैन बन जाता है, लेकिन जब सरकार जिसकी नहीं रहती है तो यहाँ की जनता की सुविधाओं को नहीं पूरा कर पाता है। और मैं अपने नगर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, एक बार भाजपा पे विश्वास जताएं और मोहम्मदाबाद में भारी मतों से भाजपा को जिताएं, और उसके बाद यदि आप मोहम्मदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के दीपक गुप्ता को जिताते हैं, तो केंद्र और प्रदेश की सरकार और डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, जिसमें सरकार की तरफ से बोरे का खजाने का मुख खोल दिया जाएगा। दीपू जी, अगर बात करें मोहम्मदाबाद नगर पालिका की, तो लगातार ये जो नगर पालिका है, एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है, चाहे आजादी से पहले की बात करें या उसके बाद की, तो जो वो वर्चस्व उस परिवार का, यानी अंसारी परिवार का, उस वर्चस्व को कैसे खत्म कर पाएंगे आप? देखिए, उस वर्चस्व को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग विकास के साथ आए। हमारी पार्टी कहती है कि विकास, और विकास जब किसी आम आदमी का विकास होता है तो वो किसी ताकतवर वर्चस्व के पीछे नहीं जाता है, विकास के साथ जुड़ जाता है। और मैं विकास के साथ जुड़ता हूँ, और हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ जोड़ती है सबको, और विश्वास के साथ जोड़ती है कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको विकास के साथ जोड़ूंगा। जब ये हो जाएगा सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर हम बात करें कि जब यदि आपको यहाँ की जनता आपको नगर पालिका अध्यक्ष बना दे, तो अब तक आपने क्या कोई विजन बनाया है कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो क्षेत्र के लिए ये काम करूंगा? देखिए, उस विषय में यदि आप कहेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं हर वार्ड में घूमा हूं। लगभग इस नगर के जितने वोटर हैं, लगभग हमें लग रहा है कि 2-4 घर इनमें से छूटे होंगे, लगभग सारे घरों को मैंने संपर्क किया है। लोगों की जो जो सुविधाएं हैं, विगत कई वर्षों से लोग यहाँ नगर में परेशान हैं, और उसका यह है कि जो लोगों की समस्या सामने आएगी, मैं उसी पे कानामा के विकास पे काम करूंगा। मेरा अलग से कोई मुद्दा नहीं है, जनता का जो मुद्दा आएगा वही मेरा मुद्दा रहेगा। आपके नगर पालिका इलाके में एक ट्रामा सेंटर भी बना हुआ है, लेकिन डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की कमी से पिछले कई सालों से शोकेस बना हुआ है। क्या लगता है कि अब यदि आपकी सरकार बन जाती है तो उसके लिए भी कुछ प्रयास करेंगे? निश्चित, जब मोहम्मदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है, तो मैं मोहम्मदाबाद के सारे अपने समस्त नगरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब सरकार कालामा की बनेगी, तो मैं ऊपर के शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा कि मोहम्मदाबाद की जनता के लिए ट्रामा सेंटर चालू कर दिया जाए, यहाँ डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जाए।